गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू वुड बी फाइन एज यूजुअल. स्टूडेंट, आफ्टर योर रिकमेंडेशन वंस मोर टुडे आई प्रैंक फॉर ऑल ऑफ यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी एज यूजुअल. दैट नेम इज फ्रेंड्स वर्सेस इनिमी, मींस दोस्त और दुश्मन की कहानी. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वाज अ मैन हु कैप्ट मेनी बीज ऑन हिज फार्म. एक बार एक आदमी था, वो अपने बगीचे में बहुत सारे मधुमक्खियों को पाल रखा था. हिज फार्म हैड मेनी बीहाइव्स दैट कंटेन्ड हनीकॉम्ब्स. उसके बगीचे में कई सारे मधुमक्खी और उनके छत्ते थे, और उन छत्तों में बहुत सारे शहद भरे पड़े थे. वन डे व्हेन द बीकीपर वाज अवे, एक दिन जब वह मधुमक्खी पालने वाला आदमी कहीं गाँव दूर गया था, अ थीफ क्रैप्ड इन टू हिज फार्म, एक चोर रेंगते हुए उसके बगीचे में आया एंड स्टोल ऑल द हनीकॉम्ब्स, और उसने चुपके से उसकी सारी मधुमक्खियों से भरी शहद के बाल्टी को चुरा लिया. मोस्ट ऑफ द बीज हैड गोन टू द मेडोज टू कलेक्ट हनी, और उस समय उसकी मधुमक्खियां भी नहीं थी. द थीफ टुक आउट द हनीकॉम्ब्स एंड पुट देम अवे इन द बास्केट. चोर चुपके से आया और उन सभी मधुओं को इकट्ठा किया, शहद को इकट्ठा किया, और दूर कहीं बाल्टी में जाकर छुपा दिया. द बीज दैट वर इन द बीहाइव, वो मधुमक्खियां जो उस छत्ते में उस समय थी, डिड नॉट स्टिंग द थीफ, उस समय उस चोर को नहीं डस पाई, डंक मार पाई. आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद द बी कीपर रिटर्न्ड. वह मधुमक्खी पालने वाला आदमी वहाँ पहुँचता है एंड वेंट टू चेक ऑन द बीहाइव्स, और वह जाकर चेक करता है कि जो शहद मैंने इकट्ठा किया था वो वहाँ पे है कि नहीं. अलास, द बीहाइव्स वर एम्प्टी, ओह ये सब तो खाली हो गया है जिसमें मैंने मधु को इकट्ठा किया था, शहद इकट्ठा किया था. हु कुड हैव टेकन द हनीकॉम्ब्स, मेरा इतना सारा शहद किसने चुराया होगा? ही सेड रिपेंटली, उसने पछताते हुए मन में कहा. द बी कीपर वॉज कन्फ्यूज एंड लुक अराउंड टू सी, मधुमक्खी पालने वाला आदमी आश्चर्य में पड़ गया और चारों तरफ अपना सर घुमाकर देखने लगा. टू सी इफ एनी वन वॉज देयर, वह देखने लगा कि कहीं वह शहद चुराने वाला यहाँ कहीं तो नहीं है. बाई इवनिंग द बीज रिटर्न फ्रॉम द पास्चर एंड फाउंड, शाम होते ही सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने देखा कि मेरी मधु वहाँ पर नहीं है. द बी कीपर नियर देयर बीहाइव, और उन्होंने उन मधुमक्खियों ने देखा कि वह मधुमक्खी पालने वाला आदमी हमारा मालिक वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा. द बी सॉ देयर वर नो हनीकॉम्ब्स, और उन मधुमक्खियों ने देखा कि हमारी मधु गायब हो चुके हैं जिसमें हमने मधुओं को इकट्ठा किया था, शहदों को इकट्ठा किया था. सो दे स्टंग द बी कीपर फायर्सली, और उसने शक के कारण उस आदमी को काट लिया जिसने उनको पाला था, अपने ही मालिक को काट लिया. द बी कीपर सेड टू द बीज, उस आदमी ने उस मधुमक्खी से कहा इन एंगर, गुस्से में आकर कहा, यू वर्थलेस क्रीचर, हे रेंगने वाले प्राणी, यू लेट द मैन हु स्टोल योर, तुमने उस आदमी को कैसे जाने दिया जिसने तुम्हारा मधु चुराया है? धिक्कार है तुम लोगों पर, हनीकॉम्ब्स मधुओं को चुराया है, शहद चुराया है. गेट देम विद नो पनिशमेंट, और तुमने उसे बिना पनिशमेंट, बिना सजा दिए जाने दिया. आई टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी इतनी रखवाली करता हूँ. एंड यू शो मी योर एंगर, और तुम मुझी को आंख दिखाते हो, मुझ पर ही गुस्सा करते हो. सो स्टूडेंट, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी नीड टू नो हु इज आवर फ्रेंड एंड हु इज आवर एनिमी. तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उन लोगों को अवश्य पहचान लेना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है, क्योंकि वो लोग जो शत्रु होते हैं वो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं. डियर इंग्लिश.